वन प्लस नॉर्ड, अब इसको लेकर वन प्लस ने खुद इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया है कि अब तक यूजर्स ये कंफ्यूज है कि क्या हमें इस फोन को बाई करना चाहिए, क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए, हमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, हमें कौन सा कलर लेना चाहिए, क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी है या फिर इस प्राइस के अंदर में कोई और स्मार्टफोन बाई करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं इन्हीं सारी चीजों को लेकर। सो अगर आप भी वन प्लस नॉर्ड को बाई करने की सोच रहे हो, चाहे किसी भी वेरियंट को, किसी भी कलर को, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना चाहिए। सो हे गाइस, मेरा नाम है सियोम, आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, OnePlus Nord को लेकर कंपनी ने जितना हाइप क्रिएट किया था, उतना ही ज्यादा आप अभी तक कंफ्यूज हो। जी हां दोस्तों, और OnePlus ने खुद इसीलिए किया ताकि आप कंफ्यूज रहो और ऐसे में आप फाइनली OnePlus Nord को बाई कर लो। लेकिन गाइस, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। जो कुछ गलत है और जो कुछ सही है आपके सामने लेकर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस, मुझे पता है कि आप में से जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हो, उन्हें कहीं ना कहीं OnePlus Nord बाई करना है। वो लंबे टाइम से इस फोन का वेट कर रहे थे कि उन्हें कमाल के प्राइसिंग पर ऑक्सीजन ओएस का यूआई और ओवरऑल कमाल की परफॉर्मेंस और बढ़िया कैमरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कमाल की देखने को मिले। लेकिन OnePlus ने आखिर किया क्या? सो गाइस, बहुत सारे हाइप क्रिएट करने के बाद फाइनली OnePlus Nord मार्केट के अंदर लॉन्च तो कर दिया गया। और गाइस, यहां पर जो इसकी प्राइस देखने को मिली वो भी काफी ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिली, मतलब 24999। जी हां दोस्तों, 25000 के अंदर आपको इस फोन का मिलता है 6GB रैम, 64GB वेरिएंट। जी हां दोस्तों, बस मिलता है, आपको मिलने वाला नहीं है, सुनने को मिलता है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे अमेज़न पर OnePlus Nord सर्च करके, तो यहां पर आपको 6GB रैम, 64GB स्टोरेज ऑप्शन 24999 के अंदर देखने को मिलेगा। बट अगर आप नीचे साइड देखो तो यहां पर आपको ओनली वन कलर देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर। और गाइस, यहां पर कुल OnePlus ने दो कलर के अंदर इस फोन को लॉन्च किया है, पहला है ब्लैक और दूसरा है मार्बल ब्लू कलर। और गाइस, आप में से 99.9% लोग मार्बल ब्लू कलर को ही चूज करने वाले हो, क्योंकि वो बेहतरीन कलर हो जाता है। और गाइस, नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा कलर पिक करने वाले थे। और ये चीज OnePlus को भी बहुत ही अच्छे से पता थी कि जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम यूजर्स हैं वो ब्लू कलर को ही चूज करने वाले हैं, जहां पर इसकी बेस वेरिएंट को ही ज्यादातर लोग बाई करेंगे। और उनको ये भी अच्छे से पता था कि ये फोन अगर 25000 से ऊपर आता है अपने बेस वेरिएंट के साथ, तो मैक्सिमम लोगों का ध्यान इस पे से उठ जाएगा और जो हाइप बनाई थी इतनी सारी वो रद्द हो जाने वाली है। तो ऐसे में OnePlus ने इसकी प्राइस तो रख दी 25000, बट अगर आप इसे बाई करना चाहो तो ये फोन आपको मिलेगा सितंबर से अपने बेस वेरिएंट के साथ में। हालांकि इसका 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, जो कि 28000 से लेकर 30000 के अंदर देखने को मिलता है, वो दोनों ही कलर के ऑप्शन के साथ आपको 4 से लेकर 6 अगस्त के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने यहां पर थोड़ा सा नोटिस किया हो तो आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि ये टोटली OnePlus की बिजनेस स्ट्रेटजी है। क्योंकि गाइस, जो बंदे अगर 2 से 3 महीने से वेट कर रहे थे इस फोन का, OnePlus के इस कमाल के फोन का, अगर वो इसके बेस वेरिएंट को बाई करने का पैसा कलेक्ट कर चुके होंगे, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा अमाउंट और लगा के 8GB रैम बाई करेंगे ही करेंगे, जो कि 28000 के अंदर आता है। और अगर आप 64GB वेरिएंट को ले भी लेते हो 2 महीने वेट करके, तो यहां पर आप SD कार्ड नहीं लगा सकते और फ्यूचर में चल के आपको स्टोरेज की काफी कमी हो सकती है। OnePlus ने काफी सारा दिमाग लगाया है, तो ऐसे में जो भी यूजर्स होंगे वो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन को ले ही लोगे। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या आपको OnePlus के इस प्लान में फंसना चाहिए, क्या आपको 8GB रैम, 128GB या 12GB रैम, 256GB स्टोरेज को बाई करना चाहिए, और क्या इस फोन को 28000 के अंदर बाई करना चाहिए? क्योंकि मैं तो यही मानूंगा कि इसका जो बेस वेरिएंट है वो 28000 के अंदर आपको देखने को मिलता है। मैं 6GB रैम, 64GB स्टोरेज वाले को तो मानता ही नहीं हूं। सो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 28000 रुपए खर्च कर रहे हो तो ऐसे में आपको स्नैपड्रैगन 765G मिलता है, जिसको अगर हम कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 855 प्लस से तो काफी पीछे रह जाता है। मतलब अगर आप देखो रियलमी X3 जो कि 24000 के अंदर आज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट, जो कि काफी पावरफुल है कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 765G, यानी OnePlus Nord के कंपैरिजन में रियलमी X3 काफी आगे निकल जाता है परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन गाइस, कहीं ना कहीं फिर भी OnePlus के ब्रांडिंग के कारण और ऑक्सीजन ओएस जैसे कमाल के यूआई के लिए बहुत सारे लोग इस फोन को बाई कर लेंगे, यानी 28 से 30000 के अंदर भी इस फोन को बाई कर लेंगे। लेकिन गाइस, अगर ऑक्सीजन ओएस को इस फोन से निकाल दिया जाए तो ओनली ये ओप्पो का फोन ही बचेगा। बाकी इस फोन के अंदर आप देख सकते हो कि ये ग्लास बैक मिलता है, बिल्ड क्वालिटी आपको ग्लास की मिलती है, ना ही आपको मेटेलिक फिनिश मिलता है। तो ऐसे में ये फोन ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है बिल्ड को लेकर भी। बाकी कैमरा की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको दिया गया है सोनी IMX586, और अगर इस फोन के प्राइमरी लेंस को हटा दिया जाए तो बाकी सेंसर आपको 14 से लेकर 15000 वाले स्मार्टफोन के अंदर भी सेम देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका प्राइस 25000 है तो आपको 2 महीने वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास रियलमी X3 जैसा चॉइस है। और अगर आपका पहले से ही प्राइस 28000 और 30000 है तो आप इस फोन को बाई कर सकते हो, एक बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फोन खराब है, बट गाइस कहीं ना कहीं जो लोग यार वेट कर रहे थे 24 से 25 के बीच अपने प्राइस को रखते हुए, उन लोगों के लिए फोन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा साबित हो चुका है। सो ऐसे में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और आने
आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपको काफी सारे सस्ते 5G स्मार्टफोन 20 से लेकर 25,000 के अंदर ही देखने को मिलेंगे, तो आप उनका भी वेट कर सकते हो। लेकिन जिनका प्राइस टाइट है, मतलब 25,000 के अंदर है, तो गाइस आपको कोई और फोन बाई कर लेना चाहिए। और मेरे नजर में रियलमी X3 25,000 के नीचे इस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन हो जाता है। और गाइस मेरे अकॉर्डिंग आपको जो फोन अच्छा लगे आप वो ले लो, बट जो कुछ था मैंने आपको एक्चुअल बताने की कोशिश करी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं एक नए और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।